देखो ठीक है। तो आज तो भाई पहले इससे पहले डैनी सर पढ़ाते होंगे ना। यस सर। ठीक है तो भाई अपना थोड़ा सा एक मिनट के लिए शुरू करें भाई। नाम क्या है भाई आपका? आचल। आपका? और आपका? मोहित सहगल। और आपका? विनय सहगल। सहगल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरा नाम फहीम खान है भाई। ठीक है, और कोई भी अगर गलती होगी या कोई भी जो परेशानी होगी मिलकर हल कर लेंगे। ठीक है, कोई देना बड़ा प्रो कर लेंगे हैं, जहाँ समझ में आए वहाँ पूछ लेना, बस इतना सा काम कर लेना आपको। ठीक है, बार बार पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके क्लास के बाद जो कोई पूछना चाहे जब भी पूछ लेना, कोई बड़े इतना बड़ा प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो भाई अब जो है, अब तुम्हें पता ही होगा क्या पढ़ेंगे, बताया था किसी ने? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, पढ़ेंगे ठीक है भाई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? अच्छा ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्या पड़ी? सवाल तो ये आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग में जरूरत क्या पड़ी? नंबर तुमने पहले जैसे क्या नंबर पढ़ा हमने, जैसे पहले नंबर पढ़ा होगा हमने, आपने ये पढ़ा हुआ नेचुरल नंबर पढ़ाया भाई, नाम सुना है कभी नहीं? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 2 3 सीधी बात है, बच्चों का फिफ्थ से फोर्थ से पढ़ना शुरू कर, 1 2 3 एंड फोन है, एन से बोलते हैं, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर इसके बाद क्या पढ़ा तुमने? होल नंबर, होल नंबर भी सुना होगा, सुना है नाम इसका भी? यस सर। क्या क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर में? जीरो, जीरो से बस, 0 to 1, 0 to n बस, ये 0 में ऐड एन कर दूँ, हैं यही तो होता है भाई। अच्छा फिर इसके बाद क्या आता है भाई? इंटीजर है, इंटीजर ने जन्म ले लिया हुआ एकदम, चल भाई थे पढ़ लो। इंटीजर क्या होते हैं? ये सारे इसमें प्लस माइनस कर दो, जीरो में नेचुरल नंबर में क्या कर दो, जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 हैं, इसके भी दो पार्ट हो गए थे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ तक बात नहीं आ गई। फिर इसके बाद क्या आया था? फिर पढ़ा था तुमने, इसके बाद पढ़ा हुआ रैशनल, क्या हो गया ये? तो फिर इसमें तुमने इवन अरोड प्राइम वो अलग है भाई, रैशनल नंबर थी मेरा काम। रैशनल नंबर में क्या था? ए नंबर विच बी रिटर्न, देखो भाई मैं हिंदी में बोल लूँगा, दोनों में बोल लूँगा, जिसमें सहूलत हो उसमें बोल ही पाऊँगी, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम कोई नहीं। ए नंबर विच बी रिटर्न इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 एंड पी क्यू विल बी इंटीजर, यानी एक नंबर जो पी अपॉन क्यू में लिखे जा, पी अपॉन वेयर यानी कि अंश और बटे हर में लिखी जाए, ये कह दो है ना, पी अपॉन क्यू का मतलब वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 ना होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, P एंड Q belongs to I for integer, ये तो भाई रैशनल था। ठीक, अब फिर क्या था? ये मैंने पढ़े हैं भाई, ये तो पढ़े हैं, ठीक है। अब मैंने साथ में फिर एक पढ़ा होगा, इसमें इरेशनल नंबर ही पढ़ा होगा, परी में ऐप परी में क्या जी थे, इरेशनल नंबर क्या है ये? इरेशनल नंबर क्या था भाई, बता सकता है कोई क्या था भाई ये रैशनल नंबर? सर जिसकी हमें करेक्ट वैल्यू नहीं पता होती। हाँ, जैसे करेक्ट वैल्यू नहीं पता होती, या ए नंबर विच बी विल बी डिफाइंड, ये नंबर विच बी रिपीट आफ्टर द पॉइंट मेनी टाइम इनफाइनाइट टाइम, जैसे पॉइंट, जैसे 1 पॉइंट 3 3 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन, ये भी इस तरह के तो था भाई, ये बार कर दो 3 के ऊपर, इस तरह के नंबर था, यहाँ से बात नहीं आ गई, ये तो तुम्हें सब पता है। अच्छा इन सबको क्या मिला के क्या बना देता मैंने, इन सबको मिला के क्या बना देता, रियल नंबर बनवा देते, इन सबको क्या बना के क्या बना देते, रियल नंबर। अब फिर जब इतना सब कुछ पता है ताम झाम, मैंने तो नहीं बताया सबको सब पता था, है तुमने मुझे बताया बल्कि, है ना, ठीक नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्या पड़ी भाई, बता सकता है कोई? बस नाम ही नाम सुना, आगे नहीं सुना मुझे, इसकी जरूरत पड़ी, इसकी क्या जरूरत पड़ी, इसकी बता, आज इसी करेंगे यार, जरूरत क्या पड़ी, कुछ तो हो गई है ना,
इतने तो नंबर इसमें अच्छा है। एक और देखो हमने इवन ओड कंपोजिट प्राइम, ये भी है, ये भी साथ में वो हमने छोड़ दिए हैं भाई। इवन क्या हो 2 4 6, ओड क्या होते हैं कंपोजिट, सुना है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट का मतलब होता है संयुक्त नंबर। कंपोजिट क्या है कि कंपोजिट कर दी, कुछ जोड़ दी, अगर दो स्कूल हैं एक कर दिया तो कंपोजिट स्कूल हो गया वो। एक नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर, मोर देन, अब तुम कहो जी जिसके दो फैक्टर हों, एटलीस्ट दो ही फैक्टर हों कम, वो तो क्या हो गया, तो हो गया प्राइम नंबर, वो तो अभाज्य संख्या कहें जिसके, जैसे 3 और 5 है, इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए, 1 और 3 1 और 4, ये तो हो गया प्राइम। इसके क्या कहा मैंने, एटलीस्ट मोर देन टू फैक्टर, एटलीस्ट, जैसे सबसे छोटा जो होता है क्या होता है 4 होता है, सबसे स्मॉल कंपोजिट नंबर संयुक्त ना क्या होता है जिसके दो या दो से ज़्यादा हो। जैसे कौन कौन से फैक्टर हो गए भाई इसके, एक तो एक हो गया, एक दो हो गए, एक 4 हो गए, दो से ज़्यादा नहीं हो गए। तो जो सबसे स्मॉल प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है भाई, 2 प्राइम नंबर जो होता है, और सबसे स्मॉल कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। अभी वहाँ से जो नया नंबर भी सीख लिया कंपोजिट है, बस कंपोजिट तो सीख लिया, पहले ही पता था, आज ही पता चला है ना, ठीक है आगे बढ़े भाई, यहाँ तक की क्लियर होगी। अब भाई साहब की इनकी जरूरत क्या पड़ी, ये तो सब कुछ नया था, थोड़ा सा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं आज से, जरूरत क्या पड़ी भाई। अच्छा पढ़ते कहाँ हैं भाई आप, कहाँ कहाँ पढ़ते हैं सर? मैं गुरु नानक इंटरपोली में। अच्छा जी आई थी, अच्छा गुरु नानक भाई, आप सर? मैं भी गुरु नानक इंटरपोली में। तो दोनों दोस्ती दोस्ती निभा रहे हैं ना, और आप सर? हमारी 12th कर दी, हम यही बात नंबर इंटरपोली कहाँ थे, यही जो बात नंबर इंटरपोली। अच्छा उसे गंगू रोड पर जो नगू रोड है ना, इधर आ गए ना, और आप खुद को भी नहीं पता कहाँ कहाँ है, ये तो पता होना चाहिए, 2 साल तुम गए होंगे लगातार, स्कूल का तो पता होता है, पेपर तो देने प्रैक्टिस देने गए होंगे तो देख ला आती, बच्चा देखता जाएगा नई जगह कहाँ जा रहा कहाँ नहीं, इधर उधर दुकान में पढ़ता लिखता है, अगर कहीं भी नहीं जाते हैं तो उसके आसपास जो दुकान के नंबर पता चल जाता है भाई कहाँ चलते हैं, ये तो पता चलता है, ठीक है चलो खैर कोई बात अच्छी बात है, पढ़ते रहना भाई ठीक है, मेहनत से पढ़ते रहना, पूछते रहना, कुछ भी कोई दिक्कत होगी। आपको तो कंप्लेक्स नंबर सुना होगा यार, आपने तो कर लिया 12th में करा होगा, फिर तो फिर क्या दिक्कत आई थी कंप्लेक्स, हाँ 11th में जहाँ भी है मतलब पढ़ चुकी है ना, ये नहीं पता किस पढ़ी थी, पता पढ़ जाइए हैं, बस पढ़ लिया सवाल नहीं, ये प्लस आई भी सीधा सवाल हो गया, देखो मैं चलो खैर कोई बात। अब देखो भाई क्या था, अगर मुझे एक इक्वेशन पढ़ी थी मैंने x²-4=0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, बाहर से निकल गया जी हिंदी में, इसको हल करने का तरीका क्या था भाई बताते रहिए भाई, देखो गलती मेरे से भी हो सकती है, इंसान है आप भी हो सकती है, दोनों सब क्या करेंगे मिल के पढ़ेंगे, गलती हो है लेकिन तजर्बा बहुत ज़्यादा मेरा है, ठीक है बस थोड़ी सी ये बात है, नहीं हूँ आप चाहते हूँ, तो भाई इसको हल किस तरह करेंगे भाई, इसको हल करने का तरीका आप क्या बता रहे थे, आप ये बता रहे कि इसको इधर लिया मैं ना, ये तो था कि x²=0+4 x²=4 और x=2, इन दोनों तरफ का क्या ले लूँ, मैं स्क्वायर रूट ले लूँ था, x² का x, 4 का +-2, ये हो जाता, ये पता था भाई, ठीक। अब ये कह रहा कि यार अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो जाए कि सच डैश क्रिस्टल इसे सोल्व करो, ठीक है किस तो सोल्व करेंगे भाई, करके दिखाइए इसे, करके दिखाइए जरा, लिख लो एक आधी लाइन की है, लिखना तो है ही थोड़ा बहुत, तोड़ लिया करो जब जो है ना, जो मैं कहूँ तोड़ लिख लिया, क्योंकि अब तो तुम्हारे ध्यान रहेगा ये, फिर ऐसा रहेगा शायद ना तुम्हारे ध्यान रहे, ठीक है ना भाई, अगर नहीं जरूरत है, अगर एक ही बार ध्यान याद रह जाए बगैर पढ़ेगी तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर मतलब आप इतने मेमोरी रखते हो कि नहीं तो आने जरूरत है। क्या आ गया, ये भाई साहब ने ही करा होगा, x²=0-4 x²=-4 और x=-4, यही बता, ये तो करा भाई, गलत तो नहीं मैंने करा, ठीक करा, चलो मैंने ठीक बताया, ठीक करा है। अब ये बताओ
ठीक सा नहीं लग रहा, ठीक सा लग रहा, अच्छा अच्छा सा नहीं लग रहा है ना। हाँ यही बता रही है कि देखो, अच्छा एक बात और बताओ भाई, मैंने कहा कि 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 आता है, मतलब 2 क्यों है, मतलब कह रहा गलत है, 2 ही क्यों है 4 स्क्वायर में, 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये तो फिर 16 का भी 2 हो जाएगा, 2 ही होगी, ये तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, 2 ही 16 के भी 2 है, 2 है ना, इन्होंने कहा कि ये इसका पेयर है, ये कहना चाह रहे कि ये अगर 2 की 2 में मल्टीप्लिकेशन करके ये आ जाएगा, ये कहना चाह रहे पेयर का नहीं है ना, ये तो पता नहीं, मतलब बात कहना नहीं आया, नहीं पता नहीं, यही कहना चाह रहे थे कि पेयर है, जोड़ा है, स्क्वायर रूट ही 2 जोड़े में से एक जोड़ा ले लो उसको ही स्क्वायर रूट कहते हैं, यही कहना चाह रहे, ये तो कहना चाह रहे थे भाई पेयर का, ये तो था कि जैसे 2 × 2 ये तो था इन दो मरी, ये तो था भाई, ये तो आया था। अच्छा इसका यह -2 भी तो हो सके था, यानी 2 की और 2 की मल्टीप्लाई करके 4 है भाई, ये इसलिए स्क्वायर रूट 4 ये आई कह रहे हो। अच्छा -2 भी हो सके था, -2 नहीं हो सकता, अभी तो बात उनकी मल्टीप्लाई अपने से मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए था, -2 × -2 कितना आ गया, अब से जो हम पढ़े थे अब थोड़े बड़े से हो गए, क्या हो गए, हम थोड़े हो गए ना थोड़े बड़े, अब जो है 4 का मल्टीप्लाई क्या आ गया, 4 का स्क्वायर रूट +-2 पढ़ूंगा आज से, पहले ही पढ़ाओगे आज से पक्का हो गया, आज से फिलहाल नहीं पढ़ने का, इसके बाद में जैसे ही वो थोड़ा कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ूंगा, तो बस वहाँ +-2 ही पढ़ूंगा मैं, क्या पढ़ूंगा मैं सुना भी होगा तुमने, तो आज से 4 का स्क्वायर रूट +-2, तो इसका जो आंसर आ गया था +-, ये अब ये भाई साहब फिर अटक गई मामला, फिर इसका क्या होगा, ये थोड़े हल हो गए मालूम है, बात तो मी की नहीं, तो आज से क्या करता हूँ मैं, जो x = -4 है, कोई भी अगर -4 होगा, कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन होगा, इसे हमेशा इस तरह करेंगे 4 × -4, दिक्कत है भाई, दिक्कत नहीं है, इस 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2 अंदर आ गया -1, यहाँ तक की बात समझ नहीं आई, आ गई बोलो यार, बोल करो आया ना, बोल दिया अगर थोड़ा सा जितना फ़ोन पर कहना नहीं, हाँ अगर हाँ ना आने करे तो क्या सुन भी रहा नहीं कहते नहीं, अभी बड़े को गया अभी सुन भी रहे आप छोटे कर, सुन भी रहा जो दोस्त है बस सुन सुन कर, मैं क्या कहना चाह रहा यार मेरी बात सुनो यार, हैं तो हूँ हाँ तो जरूरी है, यह है नहीं, अच्छा नहीं अरे इनका थोड़े तो आपके दुख रहा है, 3 भी तो हो रहे हैं, ये इतने सारे हैं, ये बोल रहा है बोलो इन्हीं तो कर सको, नहीं कर दिया आप, अच्छा ये -1 का क्या आएगा भाई, इसका ये बता रहे कि आई आएगा, इसे आई आज से -1 को आई लिखेंगे, -1 क्या लिखेंगे आई, बस यही ये बस यही थी बात खत्म, यही थी शुरू ले बस आगे बस कम्प्लेक्ट नंबर यही है, वो कुछ भी नहीं है, तो ये कह रहे कि आई को -1 लिखना शुरू करेंगे, आई को तो इसे क्या लिखूंगा 2i, इसे कहते हैं आयोटा, क्या कहते हैं आयोटा, IOTA आयोटा कहते हैं, ये ग्रीक वर्ड है आयोटा, लेकिन फिर आई से काम चलता है, नाम से क्या आयोटा, आयोटा कितना बड़ा लेंगे काम है, अजीत अकेला दुख रहा हो तो और दिक्कत आ रही है, तो बस आई से छोटा सा नाम तुम्हारी सोच के लिए क्या आ गया i = -1, यहाँ तो बात में आ गई, आगे बढ़ेंगे यही जो है अब आज से ही आ गया i = -1 आ गया, ठीक है भाई, यह अगर किसी में जो i आ रहा होगा, किसी भी नंबर में i आ रहा होगा तो उसे बोलते हैं इमेजिनरी, क्या कहा बेटे भाई, कब जिसमें क्या आ रहा होगा i आ रहा, उसे इमेजिनरी जानो, सुनाओ हिंदी में ना, दो चीज़ हो क्या हो, एक रियल और एक रियल का उल्टा कोई, इमेजिनरी रियल का मतलब क्या हो, जो अमिताभ बच्चन करता है वो करता है रियल में शाहरुख खान, वो जो आदमी करता है वो कहाँ करता है, वो रियल में करता है, इसलिए आदमी क्या हो जा मर जा, अमिताभ बच्चन जब दस मंदिर पूछता है क्या पूछता है वो रियल में, वैसे काल्पनिक हो है इमेजिनरी में,
और आदमी जो कूदता है उसकी नकल में कहाँ से कूदता है, वो कहाँ जाएगा आदमी, आदमी ऊपर से जाएगा उससे भी हैं कूदने के बाद हैं। और वो शाहरुख खान जो है या जो जो भी कूदता हो कहाँ वो करों घूमे भी है पैसे कमा के हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जिस आदमी जो है वो एक आदमी दस आदमी को मार देता है सब दिया जमा इमेजिनरी होता है, वो सब क्या होता है भाई काल्पनिक है, क्या है काल्पनिक इमेजिनरी आई रियल रियल से मैंने हुआ वास्तविक से, ठीक भाई। जहाँ भी आई होगा वहाँ जो है आई क्या होगा इमेजिनरी नंबर वहाँ तो बात नहीं होगी। आगे बढ़े भाई कुछ नहीं समझ तो आगे बढ़े बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती। क्या समझे अभी यहाँ तक की नई बात कि जिसमें भी आई होगा ए नंबर विच हैव टू आई डो नॉट दैट इज पार्ट टू द इमेजिनरी नंबर, दैट इज पार्ट टू द इमेजिनरी नंबर। अब है पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर, पावर ऑफ भाई क्या होगा क्या कह रहे स्टार्ट में था हेडिंग सर हेडिंग पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर, पावर ऑफ पावर ऑफ इमेजिनरी। एक काम करना है भाई अगर कहीं भी मैं कह रहा हूँ अगेन अगर कहीं भी कुछ सुनना है तो इस तरह की बात पढ़नी नहीं है, क्या है अगर ये सही मैंने क्या कर दो क्योंकि इस तरह की बात उन्हें बाद में होगा सर का एक ही हरफ पढ़ो वो ढंग का पढ़ो, क्या कहा थोड़ा पढ़ो उसे क्या करो बुन लो, कल वो फिर बुनेंगे तो उसकी बहुत बड़ी चादर बन जाएगी और तुमने फैला ले इतना पढ़ा भी नहीं बता रहे, ठीक है ऐसी नहीं बात थोड़ी बात। अच्छा ठीक है पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर क्या होता है, पावर तो सुना होगा तुमने नाम कौन भी है कुछ पावर हो ना मेरे पास इतनी पावर है तुझे जेल में डलवा दूँगा कहते नहीं गाँव में हैं वो वाली पावर नहीं है कहाँ कहाँ होती है पावर, ये सुना नाम वो सीट पे लगी वो चोटी की वह बाहर कह जी जैसे आई है ये तो आई है इसकी पावर आई स्क्वायर कर दूँ ये पावर होगी इसकी आई क्यूब होगी इसकी आई ये तो पावर होगी भाई सुना होगा नाम ये इसका नाम अभी इन्होंने बताया था मुझे तो पता भी था इन्होंने मैडम ने बताया था आई इक्वल टू माइनस वन है भाई यही बताया था आपने। अब आई स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा आई माइनस आई मल्टीप्लाई आई यही हो जाएगा इसका क्या आ जाएगा भाई रूट अंडर रूट माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस वन बताओ क्या आ जाएगा ये हैं आ जाएगा ये बोलो देखो हमेशा ध्यान रखो कौन सेट होता है मैं छोटी छोटी बात पूछा करो मेरे से शर्म है ना करो अगर यूँ है ना दो दिन चार नहीं आया पूछा करो तुम पूछने के लिए मैं कहने के लिए आया फिर बताओ ये तो काम है हमारे रिश्ता ही हो या पूछने बताने का और क्या है अगर शर्म ना करा करो ठीक नहीं है जो भी बात है वह पूछ वह देखो भाई क्या है कि जब भी एक्स रूट एक्स होगा क्या का दोनों नंबर सेम हो और उनके रूट हो वही नंबर सेम है ध्यान रखना अंक का मीज के बाद ये ध्यान रखना क्या कहा भाई जब भी दो नंबर सेम तो वही उनका सेम उनको ऊपर रूट भी होना चाहिए ऊपर रूट ही होना चाहिए ध्यान ही होना चाहिए तो क्या आएगा अंक हमें इसको ये करना भी नहीं तो भाई रूट माइनस वन क्या आएगा सुबह सोचे आगे दिमाग लगाए आई क्यूब क्या आ गया भाई आई स्क्वायर इंटू आई आई स्क्वायर क्या आ गया और आई तो आई है ही माइनस वन की किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करें क्या आता है भाई देखो इसका तरीका क्या है पहले मैं माइनस वन है नहीं पहले यहाँ क्या कर दूँगा वन की किसी भी चीज़ें मल्टीप्लाई करके आता है सेम नंबर ए नंबर मल्टीप्लाई बाई वन वी गेट नंबर इटसेल्फ एक नंबर की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करके खुद ही आधा नंबर है चेंज नहीं होता भाई तो फाइव वन का फाइव एट वन का एट प्रॉपर्टी है वन की है तो वन की और आई की तो मल्टीप्लाई वन आई हो गया आधे बात है यो क्या है यहाँ ये कहाँ है ये क्या है आपका घर माइनस और प्लस हमेशा क्या आता है सुनना होगा सीधी बात जिन अलग अलग साइन हो तो माइनस कर रहा है ये भी बात अब बताओ ये बात सुनवाई भाई टाइम दूंगा मैं काट ली बात तो जो हाथ पीछे तो मेरे को बाद में दो मिनट दे जा करूँगा मैं ठीक नहीं है मैं जल्दी में दो देता आप आराम से मिल जाते हैं दो मिनट इसी के लिए दीजिए अरे नब्बे पचानवे मिनट की क्लास कर लेंगे कहीं वो थोड़ी लग रहा है ना तो माइनस वन की यहाँ तो बात नहीं आ गई अब क्या है आई
की पावर 4, आई की पावर इधर तो चेंज यू कर लो आई क्यूब माइनस आई कर लो और चेंज कर लो आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस प्लस और वन वन वन। तो बस मेन चीज़ आती है, बहुत अच्छी चीज़ मिल गई मुझे। आई आई फोर की वैल्यू कितनी होगी, अब से ये काम आ गई बार बार में। समझिए जे आई की पावर अगर 4 होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, हाँ तो बात समझ में आ गई, कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं। उतार लो भाई तो थोड़ी सी, अगर तोड़ने से उतार टाइम जाकर आराम से आई की वैल्यू रूट माइनस वन, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आई क्यूब की वैल्यू माइनस वन, आई फोर की वैल्यू वन। मुश्किल तो लगा भाई, देखते मुश्किल तो लगा, देखते मदद आया कुछ। 11th 12th कर लिया आपने, हैं आप हैं 12th में, कम्प्लेक्स नंबर हैं इसमें, आप कर लेना देखना। जब मैं से पढ़ा दूंगा आप अपनी बुक उठा के देखना, अगर ए भी कोई क्वेश्चन बाहर रह जाए, ये मेरी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन कोई बाहर है नहीं बताना, 100% आप कंप्लीट कर दूंगा। बस आप इसे करते जाए, ठीक है, आप इसे कम्प्लेक्स नंबर को आज ना, मैं जाके देख लेना कि आज मिला लो कि आज ही सारा कहाँ हो गया, आज नहीं कुछ होना चाहिए, थोड़ा टाइम 2-4 दिन के अंदर एक का क्वेश्चन आगे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा तो आज ही हो जाएगा, आज आगे देखना शुरू में, इतना तो शुरू में ही थी वो भी किताब, यहाँ तो बात नहीं आ गई भाई। देखो अब आज से जिस तरह 2 + 2 = 2, 2 × 4 = 2, 3 + 6 = 2, 4 ठीक पढ़ा, पढ़ा मैंने तो इस तरह आज से ये बात याद कर लियो भाई, आई की वैल्यू रूट माइनस वन, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आई क्यूब की वैल्यू आई माइनस वन, आई फोर की वैल्यू। इसे तो बच्ची तरह रट ही लेना, इसे तो रटा गया भाई। अगर मुझे कहीं कोई वैल्यू निकालनी है ना, एंड इसको क्या करता हूँ मैं, किसी भी आई की वैल्यू अगर निकालनी हो तो उसमें एन इक्वल टू 4q + r में तोड़ देता हूँ। ये क्या बताई भाई, 4q + r कितनी कुछ ऐसे लिखिए भारी सारे बराबर हैं। अरे वही तो है, ये कम जैसे देखिए भाई, देख क्या कर रहा था मैं, अगर ये इसे डिवाइड करें तो क्या देखिए भाई, देख सुना ये देखी नहीं बात किस तरह कहेंगे, किस तरह कहते थे 7 = 2 × 3 पहले तो नहीं कह रहे थे भाई, ये यू नहीं आती है क्यों, एन इक्वल टू जितना नंबर हो जिससे डिवाइड कर दे, डिवाइड कर जिससे भाग दे रहे, क्वेश्चन जो आया और ये रिमाइंडर यू नहीं लिखा दिया क्यों, यानी ये क्या है 7 = 2 × 3 + 1 यू नहीं आया, यानी कि हम जो 4 का जो मैंने आई की पावर 4 बताया है इस 4 में तोड़ लिया, इस 4 में मान लिया कहीं 41 है मुझे, चलो क्या कर सकता हूँ 4 × 10 + 1 कोई दिक्कत है बोलो भाई। अगर यहाँ 9 अगर यहाँ क्या आता 10 आता तो क्या आता 4 × 2 + 4q + r 4 × किससे मल्टीप्लाई करूँ 4 × 2 = 8 + 2 है, यानी कि अगर कहीं भी मुझे आई की वैल्यू है तो उसके मल्टीपल ऑफ 4 में से ब्रेक कर लूँगा, तोड़ लूँगा, ठीक है भाई। जैसे अब अगर कोई यूँ कह रहा है कि भाई ये सवाल देख लूँ ना, जैसे कोई इसमें यूँ कह रहा है कि आई की पावर 135 की वैल्यू निकाल लो, देखो दो वैल्यू है अच्छा लिखना चाहो लिखो, जैसे ये है आई की पावर, देखो पहले मैं एक और देखो आई की पावर 17 की वैल्यू निकाल दो, आई की पावर बांध दी आई की पावर 17 की वैल्यू निकाल दो। मैंने क्या कहा था कि इसके
इससे क्या है, मैं फोर के इसमें मल्टीपल में से ब्रेक कर लूँगा भाई। फोर के मल्टीपल में क्या आ जाएगा, आई की पावर फोर मल्टीप्लाई फोर प्लस, दिक्कत सुनिए भाई, अगर कहीं x की पावर m प्लस n था तो उसके किससे लिख सकता था, x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, यही नहीं आ गया था, इतना तो होगा भाई सीरीज़ क्लियर। तो इस तरह ये ब्रेक कर लूँगे, i की पावर 4 की पावर 4, चलो इकट्ठा कर लिया, इन टू आई की पावर 1, ये अरे पहले से यही नहीं हो गया बोलो भाई। और इसे क्या कर सकता हूँ, पावर की पावर हो तो इसे कर सकता हूँ आई की पावर 4 की पावर 4, ये नहीं हो गया, पावर की पावर में मल्टीप्लिकेशन ना, ये किया था फॉर्मूला मैंने पढ़ा था लॉगरिथम में, एक्स पावर ए की पावर अगर बी हो तो एक्स पावर ए भी नहीं आ जाएगा, पावर की पावर है, समझ नहीं आया भाई ये बात, ये तो ऐसे है जैसे कि जैसे ये तो तुम हो, देखो ये पता गया ये लिखा मैंने, ये एक्स की पावर ए की पावर बी, जैसे इसकी एक्स की पावर क्या है, ये ए की पावर बी, पता किस तरह, ये जैसे ये तो तुम हो, ये तुम्हारे पापा अरिफ के पापा बापा जी, ये यो जो है इसे ये दोनों धमका देंगे, यानी इसके दोनों पापा हो गए, वही नहीं बड़े पापा छोटे पापा हैं, तो इनके पापा पापा की मल्टीपल हो जाएगी, ये गुना भी है दोनों पास बैठ लेंगे, दोनों सलाह यही करेंगे इसके भविष्य का, तो ए के बी की मल्टीपल क्या जाएगी, ए बी यहाँ से वही आगे बात है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक इसी तरह से आई की पावर 4 की पावर 4, ये दोनों इसके वही आ गए हैं, इंटू आई आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी बताई थी भाई मैंने अभी, एक 1 की पावर 4 इंटू नहीं आई की पावर 4 की वैल्यू 1 और 1 की पावर 4 मल्टीप्लाई आई, समझ में नहीं आ गया भाई बोलो, आई 1 की पावर 1 की कुछ भी कर दो क्या आता है हमेशा 1 ही आ गया, वन का पार्ट क्या हो, वन ही कम वन वन टू का वन 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 है, वन की मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या आता है, वन की एक बार भी दो बार भी तीन बार भी चार बार ही वही है, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैंने कहानी आगे बढ़ाई है, सही बात है, मैंने वही सीधे उसको फिर रिपीट कराया, वन की दो बार मल्टीप्लाई, ठीक है मैं गलती पर था बिल्कुल सही पकड़ा आपने, मेरे लिए बैक हो गया था खुद ही, ठीक है थ्री पर पहुँचा ही नहीं मैंने आगे, तो वन की वन में क्या आ गया, वन की दो बार में दो बार कहना चाहिए था मैं टू रखा, ठीक है वन की तीन बार में क्या है, वन की फोर में वन, बड़ा अच्छा लगा भाई तुमने बात तो पकड़ी कुछ तो सुना, कम से कम ये तो अच्छा लगा कि सुन ले मेरी बात, तो वन की फोर में मल्टीप्लाई करके आगे वन फोर, वन की पावर फोर क्या आ गया भाई, वन वन और वन मल्टीप्लाई आई, आ गया आई की पावर 17 की वैल्यू क्या आएगी, आई अच्छा आई की पावर 135 की वैल्यू निकाल ली यार अपनी कॉपी फिर निकाल दी, उतार लो उतारना चाहो तो पहले भाई जितनी भी हो कुछ तो अच्छा लगे तुम उतार लो, क्योंकि मैं तो लिखने पढ़ने का ही काम है थोड़ा सा, है लिखने पढ़ने का ही है, आयोटा कहते हैं तो सही क्या कहते हैं, आयोटा आयोटा मैं आई आई कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, क्या है इसका नाम है आयोटा, क्या कहते हैं इसको आयोटा, आयोटा की पावर, लेकिन यह आयोटा थोड़ा भारी लगा आई आई को जहाँ से मैं आयोटा की पावर 135
थोड़ा इस तरह ही मिल के करेंगे, थोड़ा सा तुम्हारी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस है, ठीक है ना तरीका? ये गलत है या बस मैं ही करो जाऊँ? ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं आ गई हैं तो मैं ऐसा ही हो सकता है जैसे आपको ईजी लगता है। ठीक है, जो है ना एक वो अच्छान मेथड होता है, इसको बस मैं किला देता जाऊँ और आप सुनते जाऊँ, बस चलो बाहर बैठा जैसे हिस्ट्री का होता है ना, थोड़ा थोड़ा तो पता लग गया प्रैक्टिस हाथ हाथ हो जा रहा है ना। इस तरह जो हम क्वेश्चन करेंगे भी थोड़े से आईआईटी के भी करेंगे, थोड़े ट्वेल्थ स्टैंडर्ड दोनों के मिक्स कंबाइन करा करेंगे। ठीक है भाई, एक हल्के से कहाँ तक चलेंगे, ऊपर तक चलेंगे इस तरह है। बताऊँगा मैं आईआईटी के किससे क्वेश्चन आ गया कट्टर नहीं हो जाओ से लाओ जाओ बैठ लो, बस आप बैठ लो, हाँ नहीं रह सकते जो हो तो गया हो नहीं गए सही करनी थी मुझे 34 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 और किसको चाहिए भाई करनी देने में, तुम्हारे भाई भी नहीं मेरी क्या है। देखो कोई बात नहीं, अरे कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, पहले दिन और थोड़ा थोड़ा हो जाए, नई चीज़ है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ सीख नहीं हुआ है पूरे उन्होंने सब आ जाए। ठीक है, देखो भाई ये तो मिटो दूँ प्रॉब्लम, पहले दिन तो साइकिल भी नहीं आती, अति आगे चलानी चाहिए, साइकिल भी चलानी आती किसी से, पहले दिन इस तरह सीख गए थे, थोड़े गिरे होंगे, थोड़े डर था लगे है ना, अरे आप जो है एक हाथ से चला लें, वहाँ छोड़ भी चला लेता वादा और बड़ी दूर है, तो इस तरह होगा। देखो कोई नहीं, आएगी पावर 135, यहाँ तक बात सुनवा भाई आएगी पावर, देखो इसे जब मुझे 4 का मल्टीप्लाई है 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दूंगा ना, बच्चों करें कर लूँगा, लोग हट के जाओ 4 3 12 2 4 3 12 ये आ गया 34 33 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, अब तो दिक्कत नहीं है, 4 मल्टीप्लाई 33 प्लस 3। देखो भाई यहाँ तो बात नहीं आ गई, एक मिनट के यहाँ देख लो आप जरा, देखो भाई आई की पावर 4 की पावर 33 मल्टीप्लाई आई की पावर 3, एक्स की पावर एम इन एम प्लस एम, अलग अलग कर लिया, अब ये नया दोनों पापा जी बताए थे, वो दोनों इकट्ठे नहीं हो रहे हैं तो अलग अलग ही है, ये अलग अलग हैं तो ये इसके पापा हो गए और बाबा जी को खरीद दिया, फिर अलग अलग हो जाएंगे हैं, और आई की पावर 3 दिक्कत तो नहीं भाई, अयोटा आई की पावर 4 किसी भी आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 की पावर 33 और आई की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है माइनस है, शाबाश सारा कुछ बता दूँ और क्या, अरे 1 की पावर कुछ भी कर दो क्या आता है 1 और 1 मल्टीप्लाई माइनस आई क्या आएगा यो माइनस आई, देखिए भाई क्या दिक्कत आई, थोड़ा भी चल गए हैं करते करते हैं, चलते चलते कदम भी चल गए नहीं कर लेता सही है, आखिरी टाइम में हो गए हैं जितने आखिरी ओवर 2020 गए, छक्का लगा नहीं आखिरी गेंद पर, यानी मैच तो विनिंग आ गया था है कि भाई ऐसे नहीं हो गया, हालात हो गए हैं गेंद सर मैच जीते जीते आ गया, छक्का लगा नहीं है, काम खराब हो गया जी, तो दक्षिण अफ्रीका के कैच पकड़ने खराब हो गया था, मैं नहीं मैच तो जीत लिया था उन्होंने, ऐसा ही हुआ तुम्हारी साथ में। ठीक है भाई आगे बढ़ा भी थोड़ा सा, एक सवाल और दू भैया भाई मतलब खराब बढ़ रहा करके, क्योंकि थोड़ा सा और करेंगे, देखो भाई अब जब साइकिल चलाया ना हमको सीधी सीधी थोड़ा सा मोड़ भी हूँ इधर कुछ है यूँ अच्छे जैसे करके निकलना भाई जरा, ओ हम तो होता कि दिक्कत तो वन अपॉन आयोटा की पावर 47 अगले करीब
थोड़ा बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा मोबाइल भी देखी थोड़ी है, हल्की सी मोबाइल भी थोड़ी थोड़ा फिर चेक कर लेकिन और हो गए तो मेरी तो बहुत भी सही है। ये इन्होंने गेंद नहीं मैं फिर पा दूँगा, ये लोग गए तुमने गेंद मोबाइल फेर दी सही है, तुम्हारा बिल्कुल सही है, बढ़िया है। देखो भाई आप भी देखो चार से एक मिनट में थोड़ा सा मैं कर दूँ भाई, हाँ भाई आप भी दिखा देते कुछ हो गया। हाँ यार क्या आंसर आया? हाँ बस नहीं रुक गया था, इन्होंने इन्होंने खेल ही खत्म कर दिया, हम तो यहीं आपने खिला दो थोड़ा गलत मोबाइल दी थी। देखो किस तरह भाई सब बताओ किस तरह करता मुझे, फोर मल्टीप्लाई बोलो इलेवन प्लस थ्री, यही तो करा भाई बताते रहिए। देखो भाई मुझे मैं भी ऐसा ही हूँ क्योंकि जिस पर एक का पालना है तो क्या होता होगा है नहीं, ठीक है भाई यही तो करा तुमने, तुम्हारी देख के करा मैं, ठीक है भाई तो मैं तो नहीं बात करी मैंने। वन की आई की पावर फोर की एयरटेल की पावर फोर कितना वन होता है, वन की वैल्यू कुछ भी कर दो वन सीधा लिख दो तो बड़े से हो गए यार, मैं लिख दूँ सीधा अब भी बड़े हो जाएंगे तो आप भी बात लिखा, मैं सीधा लिखा दूंगा भाई आई ओ टी की पावर थ्री आई ओटा और वन की ये क्या आ जाएगा भाई, वन की पावर इलेवन क्या होता है, एकदम गलती पकड़ दी है आपको बात है, वन की पावर इलेवन क्या होता है, वन मल्टीप्लाई माइनस आई ओटा, ठीक प्लस और माइनस माइनस वन अपॉन माइनस आई ओटा, यहाँ तो बात सुना भाई अगर देखो अगर आयोटा नीचे हो बुरा सा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा तो जिस तरह पहले नीचे अगर रूट आ जाता पहले तो क्या करते थे हम, हाँ इसी से मल्टीप्लाई करते थे रूट से, वही ध्यान रखो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही वाला, अगर मान लें मेरे पास आंसर थ्री टू अपॉन रूट टू आ जाता छोड़ देते थे यहीं कहीं, क्या कर रहे थे इसे रूट टू ही कह रहे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये तो बताया आपने मुझे, ये नहीं बताया था कि रूट टू से है, इसे रैशनलाइज कहते थे कि सिंपल से हल करो, यहीं तो कहते थे रैशनलाइज करो से, तो ये बुरा सा लग रहा है आयोटा की हैं, तो फिर आयोटा ही ऊपर नीचे पूरा कर दूँ ले भाई, दिक्कत तो नहीं आई इससे चले जा रहे तो लारे से लग रहा है आपने भी झुटते झुटते हैं, वन की और आयोटा की मल्टीप्लाई क्या आ गया आयोटा अपॉन आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा क्या आता है आयोटा स्क्वायर और माइनस का आयोटा स्क्वायर अपॉन इक्वल टू आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, तो क्या आता है आयोटा अपॉन माइनस और माइनस क्या आता है माइनस माइनस क्या आता है और वन की मल्टीप्लाई वन और एनी नंबर विच बी डिवाइडेड बाई वन वी गेट इट सेल्फ, तो वन से आयोटा को डिवाइड करके क्या आता है भैया आयोटा, दैट विल बी टू द आई दैट विल बी टू द आयोटा, तो वैल्यू ऑफ वन अपॉन वन आई की पावर वन अपॉन 47 वी गेट इक्वल टू आयोटा, उतारो आगे समझे भाई कोई प्रॉब्लम उतारो से प्रॉपर्टी चलेगी ये तो सर इमेजिन नंबर शुरू हो रहा है, कंप्लेक्स नंबर शुरू भी नहीं हुआ है, इमेजिनरी आया अभी तो शुरू में, बताओ बेटा आई ओ टी वैल्यू क्या होता है, बोलो बोलो शाबाश बताया मैंने आप बताते बेटे मैंने शाबाश चल जाएगा बताते बेटे मैंने शाबाश बताओ कोई बताओ नंबर शाबाश क्योंकि हम माइनस का क्या नहीं कर पा रहे थे
जो रूट अभी मैंने क्या क्या बोल रही कह दी आपको क्या क्या थी वो बोलो। हाँ रूट वाली क्वेश्चन थी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, रूट वाली होती नहीं थी मैंने सारी थी तो क्या लिखा है कंसेप्ट सर उसके बताया ये तो हमारा काम चल रहा था सारे नंबर भाई इमेज ने वो कम्प्लेक्स वो क्या नाम नेचुरल रियल सारे बताए थे फिर के बाद इनकी इतने पहले बहुत नंबर थे और जरूरत भी पड़ी भाई वो एक बोल खाने की बताया था ना ये इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या नहीं हो रही थी सोल्व नहीं हो रही थी कौन सी क्वेश्चन थी बता सकता कौन सी क्वेश्चन सोल्व करी थी मैंने वहाँ एक्स स्क्वायर क्या थी वो एक्स स्क्वायर क्या थी पहले फोर थी या माइनस फोर थी जिससे काम नहीं चल रहा था। हाँ एक दो लिखी थी मैंने एक तो ये लिखी थी अरे कौन सी लिखी थी तो इसका काम चल रहा है इसने काम चल रहा था किसने काम चल रहा था सेकंड वाले काम नहीं इसमें आई की जरूरत पड़ी ये तो बताया था भाई आप माइनस रूट का क्या नहीं कर पा रहे रूट नहीं ले पा रहे अच्छा भाई तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बताई है अभी मैंने और आई की पावर थ्री की और आई की पावर फोर की अगर हमें किसी भी नंबर की आई की वैल्यू की में निकालनी है कौन से मल्टीपल में ब्रेक करते हैं सबसे पहले हम क्या है फोर के मल्टीपल में फोर के मल्टीपल ब्रेक कर लो किसी की पावर की वैल्यू वन की कुछ भी पावर होती है कितनी वैल्यू होती है अभी बताया मैं क्या फंक्शन है वन होती है तो सीधी हो जाएगी और वन हो जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी जैसे भी ये बता रहा ठीक है ठीक है सर बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ते रहो तुम हिम्मत करके पढ़ो चार दिन बाद इनका मेरे घर में कंप्लेक्स नंबर टेस्ट जरूर लेना जी आप आते रहना सर इनके हमें भी थोड़ा बहुत बैठते रहेगा वो तो आप ही लोग हैं जी वो आप ही लोग हैं जी जी सर मैं बड़ा क्यों ना क्रिटिकली क्यों क्लियर बताऊँगा जैसे मेंटली स्टैंडर्ड से दिखाऊंगा सर मैं आपको बता दिया करो बस शर्मा करो भाई कोई बाहर का यहाँ जब बता दे तो बता दिया ठीक है ठीक है भाई मिटो तो भाई बता तो बता दो यार जब बता तो बता तो बच्चों के पढ़ रहे थे दोनों कि टी शर्ट वीशर्ट वाला मसला था मिटो तो भाई टी शर्ट वाला तो कोई सर मसला है ही नहीं यहाँ है और चेहरे से तो मैं लगता भी लूंगा था लूंगा भाई टी शर्ट होगा भी पहचाना है अभी उन्हें हैं इतना बड़ा फर्क नहीं है कि भाई ठीक नहीं है कि मैं पढ़ा देता हूँ इस तरह करेंगे कोई दिक्कत नहीं इस तरह ही हाँ तो बात सुनवा भाई ईमानदार तो सुनवाई बात अब सुन लो तुमने इंटर में एक क्वेश्चन पूछा होगा तुम्हारे दोनों अगर तुमने सुन लिया और पढ़ना पड़ेगा अब थोड़े क्या हो गए हम बड़े हो गए थोड़े से बढ़ते जाएंगे मैं अच्छा अगर ये होता भाई माइनस वन रूट माइनस वन की पावर फोर एन प्लस थ्री यार इसकी वैल्यू निकाल दो अब साइकिल तो बामाने नेहरू मार्केट में भी चलेगी भाई घर के आगे है नेहरू मार्केट में भीड़ भाड़ हो नहीं थोड़ी देख के चलेगी यहाँ तक लिया हाँ यहाँ भी तेज जाएगा भगा गए यहाँ तो पैदल चलने मुश्किल हो जाए इस तरह चलाएंगे देखो यार क्या आता है इसका माइनस वन रूट माइनस वन फोर एन की पावर थ्री थोड़ा सा स्टैंडर्ड हमने बड़ा ऊंचा करा है थोड़ा सा हल्का सा है एकदम इस तरह ही करके चले जाएंगे हो गया शाबाश बहुत अच्छी बात है होने के लिए था क्वेश्चन ये
अच्छा वो तोड़ लेते ना यार, 47 तुमने नो बॉल मारी थी थोड़ी देर, तोड़ लेते ना आप समझ में आ गए ना थोड़ी सी, तुम ठीक थे बोले थोड़ा सी बाद में होंगे, फिनिशिंग नहीं हो रहा था मैच है, मैच तो जीत के ला रहे थे शुरू से आप तक, क्या सही हो रहा था पा रहे हैं वो किस मत नहीं गलती करती कहाँ। रनिंग थोड़ी हल्की थी भाई, क्या क्रिकेट देखो मैच देखते नहीं, ये तो जानते हूँ क्रिकेट में रनिंग होती है, थोड़ी हल्की सी रनिंग रही तुम्हारी, तेज भागा करो। अब के मैच में क्या गलती रही तुम्हारी, रनिंग में गलती रही भाई, रनिंग हल्की रहा तो क्या हो फिर कहाँ जाए पैर का खड़म पैर के पास जाए, अब खड़म पैर के पास सुनता मामला उसमें क्या हो जाए, बच भी जाए यार यूँ नहीं होता हो गया सर, वैसे दिखाओ आप भी दिखाओ थोड़ा सा भाई क्या आया भाई। हाँ भाई ये तो आई माइनस आई बता दी सर, आपको क्या आया माइनस आया है भाई, माइनस आई दोनों को तो आना चाहिए, ये अलग अलग आना चाहिए। देखो भाई सर, देखो भाई छोड़ की कोशिश कर रहे हैं, देखो बढ़िया सर ने बेहतरीन बहुत अच्छा कहा, समझ में आ गया बस सबके थोड़ा सा बस थोड़ी सी कमी रह गई भागने में, वो तो हो ही जाएगी थोड़ा खा पी गए। देखो माइनस वन माइनस इसे कर दूँ आई ओटा की पावर फोर एन प्लस टू है भाई साहब, यहाँ तक समझ में आ गई दिक्कत तो नहीं बोल रहा। देखो ये माइनस जो तुमने कहा माइनस वन को आई ओटा लिखा, इन्होंने बताया था मुझे तो पता नहीं था, है ना आपने तो बताई थी बात, यहाँ देखिए इसको क्या करते हैं, इसको इन्होंने करा कि आई ओटा की पावर 4n और माइनस आई ओटा की पावर 3, ये करिए आपने थोड़ी सी गलती कर, देखो कॉपी में यही आएगा हैं ठीक है, ये तो गलती करी भागने में थोड़ी थी मैंने थोड़ा सा कन्फ्यूज, यहाँ तो बात नहीं आई। अब देखो इसे ये कर सकता हूँ मैंने माइनस आई की पावर 4 की पावर n, या फिर यूँ करो तो यार फिर ज़्यादा ही करो माइनस आई ओटा की पावर 4 की पावर n, ये दादा बाबा जी हो गए पापा दादा अलग अलग हो गए हैं, इनटू माइनस आई की पावर 3, ठीक है सर आगे बढ़े भाई, माइनस की पावर क्या कर दो इवन है तो क्या थी है पहले से, देखो फॉर्मूला है याद रख लेना, अगर माइनस है माइनस की पावर अगर इवन हो तो क्या आता है हमेशा पता होगा भाई, अगर माइनस की पावर क्या है ओड है तो क्या आता है हमेशा, ये क्लियर है भाई। देखो फोर इवन है ओड है और माइनस है माइनस की पावर इवन है, देखो मैं कौन सेट बता रहा है इसकी जरूरत है फिर मैं बता रहा हूँ तुम्हें आगे भी ध्यान रहेगा है आंखें देखिए बिना देखिए, माइनस की पावर क्या आता है यहाँ मैं सीधा ही बता सकूँ तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ जाते हैं, जान के बता रहा कौन चाहिए माइनस की पावर क्या है ये वही है जो तुमने प्लस करा प्लस ही आएगा, तो माइनस की पावर कितनी है भैया इवन है, इवन की पावर क्या आएगी प्लस, ये तो जीन तो ख़त्म हो गया, और आई की पावर क्या आ गया फोर, आई की पावर फोर और मल्टीप्लाई नी की पावर एन, देखो भाई माइनस की पावर यहाँ क्या है और तो माइनस और आई की पावर थी है भाई, और आई की पावर की वैल्यू कितनी हो और वन की वन होती है ना, और वन की पावर कुछ भी कर दो क्या आएगा एन आ जाएगी, तो सीधा वन लिख दो सीधा लिख दो बड़े सारे हो गए हम तो ये बच्चे ही रहेगी, वन लिख दो सीधा अब बड़े सारे हो गए मैं नहीं वन मल्टीप्लाई है आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है आई ओटा की पावर 3 की पावर कितनी होती है माइनस आई,
माइनस माइनस आई, यू बताने ये तो अब माइनस माइनस और वन की वाई क्या आ गई अभी थोड़ी अकेलती लगी है लेकिन थोड़ा सा अकेलती लगी है नरू वहाँ के मुझे चली थोड़ी साइकिल साइकिल तो चली अब तो उम्मीद है थोड़ा सा आ जाएंगे मदद आया करते हुए थोड़ी सी अकेल लगी आगे बढ़े ना थोड़ा सा और आगे से बढ़े थोड़ा सा और स्टैंडर्ड था वो थोड़ा सा और बढ़े अब जैसे जल्लू उसमें निकला गाड़ी जल्लू उसमें निकल जहाँ से आए देखी नहीं वहाँ बोल साइकिल चलाने में मुश्किल हो जा अभी की जल्लू उसमें निकलेगी भाई सच में आ रहा है भाई आप ही बोलो पहले आप मदद आया कुछ थोड़ा बोर तो नहीं हो रहे हैं मदद आया थोड़ा कि लग रहा हो जाएंगे सवाल सवाल ही होंगे सवाल होने के लिए हम बनिए सवाल करने के लिए न होने की वजह क्या है करते जाओ इसे कभी देखो भाई एक सवाल वर्ड उतार दो भाई देखिए कोई दिक्कत नहीं है आई की पावर एन आई की पावर एन प्लस आई की पावर आई ओटे पावर एन प्लस टू आई ओटे की पावर एन प्लस टू है ये जल्दू से निकल जाएगा है कुछ और थी थोड़ी अकल की लगी है और थोड़े बड़े कर दिए हैं कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा परेशान ना हो कुछ अगर समझ में आता है तो कर लो नहीं तो मैं हूँ ही बता रहा मैं तुम्हें कुछ गलती तो करूँगे यहाँ पर क्यों भाई पैसे थोड़े लगेंगे यहाँ गलत के यहाँ निगेटिव मार्किंग है कहीं कि भाई आउट हो जो भी गया आउट ये तो प्रैक्टिस मैच चल रहा कितनी कितनी बार आउट कितनी बार खेल है शाबाश बहुत अच्छी गरीब अच्छी है ये बढ़िया गरीब अच्छी यार फिर मैं तो तुमने तो मुझे खुद बता सकते पहले करो तुम तो वही तो सवाल है देखो क्या होता है देखो इन्हें कर रहे थे इनके इनके पीछे दिल टूट जाकर कर ही रही हैं अगर जी पहले ही बता दिया है बता रहे कोई बात नहीं कर ले कर लो कुछ तो हो गए ना गलती तो लिखो लिख लो लिखने के लिए हाथ पैर चलेंगे कम से कम है नहीं हाथ पैर चलने के लिए है ये अच्छा इसकी वैल्यू निकाल लो चलिए इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो तुम्हारे लिए सवाल है फिर इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो फिर इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो निकाल लो इसे सवाल को छोड़ इसे सवाल को तो यहीं रखे रहने दो आप इसकी वैल्यू निकाल लो आई टू एन प्लस आई एन प्लस आई एन इसे कर लो इसकी वैल्यू निकाल लो क्या क्या हो सकता इसका कुछ हो सकता है क्या पंच इसका है अभी बताया दाबू गया सही दूसरा करो आई की पावर एन प्लस टू कर लो यानी फिर से की वैल्यू निकाल लो कोई बात नहीं कुछ तो आएगा भाई जब हम करेंगे मेरा जीरो आया आप जीरो आया हाँ जीरो आएगा बिल्कुल सवाल के बेटा करते छोड़ेगा खत्म करते सवाल की हाँ जीरो ही आएगा भाई जीरो अब कुछ और कह दूंगा मैं जो चलाना चाहो है नहीं
देखो कोशिश कर देंगे हम, कोई बात नहीं, सही है भाई। अब कहीं के भी खिल रहा है अमिताभ बच्चन जिस तरह जाओ हैं, अब सही, अब लोग कर दो सही है, वो बाजी बात गलत भी करवाते हैं अभी ना ना रहने दो हैं। देखो देखो भाई, अभी मैंने देखो कुछ नहीं बताया, देखो भाई अभी आई की पावर एन प्लस वन को ही बताया था मैंने, यूँ लिख सकूँ आई की पावर एन इंटू आई, बताओ इतना तो लिख सको थे, कोई नई बात तो नहीं बताई भाई मैंने। देखो भाई इधर आयोटा की पावर एन प्लस आयोटा की पावर एन इंटू आई, कोई नई बात तो नहीं बताई भाई, दे बताइए आई ओटा की पावर एन इंटू आई ओटा की पावर टू, बताओ भाई इसकी पावर आई ओटा की पावर एन इंटू आई ओटा की पावर थ्री, बताओ कोई नई बात तो नहीं है, मान रहे तो पुरानी बात है। अब इन सब में आई ओटा की पावर एन कॉमन है। अब ये क्या हुआ था, देखो सवाल था ये, पहले सवाल में एक ही नंबर आया था, पहले नंबर सवाल में क्या आया था, अब ये जो है इनमें दीवार हो गई, कई भाई हो गए, एक दो तीन कई फंक्शन हो गए जी, तो है ना दीवार हो जाए, जब जैसे तय चाचे की शादी होती है ना, दीवार होती रहें घर में, ये दीवार ही तो है प्लस माइनस, ये अलग ही पकड़ते हैं पोलिनोम को, ये ऐसे प्लस माइनस नहीं करते पोलिनोम को, कितने टर्म किया है, एक दो तीन चार टर्म का पोलिनोम है, अब चले एक का वैदा, अब चले क्या करा था मैं, अब आई पावर थ्री निकाल ली वैल्यू, आई पावर फोर एन प्लस थ्री की वैल्यू निकाल, अब चले यूँ करता है हमें, अब ये कहीं हो गए तो कहीं हो गए, क्या हो गया हमने इसे भी अलग अलग कर लिया है, अब फिर हमने क्या करा, जो इसमें एक जैसे हैं उसे भी इकट्ठे हो जाओ गाँव में भी, इनमें सब मैंने क्या ले लिया कॉमन, आयोटा की पावर एन क्या ले ली कॉमन, कॉमन तो पढ़ा हुआ है, कॉमन ही बताऊँ क्या चीज़ हो गई, सुना कॉमन कहाँ सुना, अच्छा कॉमन ये कॉमन की जरूरत कहाँ पड़ी, कहाँ से आया कॉमन बताओ, ये हुमन कॉमन क्या चीज़ हो मुझे नहीं पता, हाँ इन सब के अंदर है, सही कहा कॉमन आया कहाँ से, सुना अच्छा कम कॉमन कहाँ से आया, अगर मैं जो मान लिया मेरा छोटा भाई है, तो भैया तुम्हारे छोटा भाई है, तो पूछा जी कॉमन हो गया कहाँ से आए, क्यों बताइए उनको देख इस तरह देख कितना आसान है, कौन भाई चार बच्चे थे मेरे क्रिकेट खेल लेंगे, तो किसको खेल रहे हैं वो, दो एक तरफ हो जाओ, दो एक तरफ हो जाओ, तो एक डंडा खेल आए एक बैट खेल आए, बल्ली थी खेलना शुरू कर दे पर बड़े से गए, और खेलते खेलते एक और दोस्त आ गया उनका, कौन आ गया, अब हो गए पाँच, किसका खेल लेंगे भैया, ये खेलना बंद कर देंगे फिर देख के दोस्त को, और मजा आएगा खेल लेंगे, वो किससे खेल लेंगे पाँच के साथ, बस खुद ही तो हुई तो है कॉमन, अब सुना तो नहीं हो रहा, सुना नहीं मैंने, ये तो कह रहे तुम, दो एक तरफ अयो यूँ कह पीछे खड़ा रहो भाई, ये जो सब माँ इन दोनों माँ हो, ये तो बता रही थी अभी, जो सब माँ जो दोनों ये तो है कॉमन, जो भाई जो सब माँ हो जो सब में बाहर ले लो वही कॉमन है, और इसमें कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, कॉमन का मतलब क्या होता है, ये हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया थोड़ा सा, कॉमन से डिवाइड करते हैं, आई पावर एन से डिवाइड कराओ वन, अपने को अपना से डिवाइड करके वन प्लस आई पावर एन से डिवाइड करके क्या आ गया, आई प्लस आई ओटा स्क्वायर प्लस आई ओटा के क्यू, बताओ भाई यहाँ पे सीम आ गई, मान देते हैं बता दो भाई, समझेंगे कोई नई बात तो नहीं बताई मैंने, नो सर इतनी बात तो पहले बताई थी, आई की पावर है एयर टू पावर एन तो जू कर दूँ वन तो जू कर दूँ प्लस यू भी जू कर दूँ, तो छोड़ आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन आई ओटा क्यू की वैल्यू, इनने इसकी दावत कर दी, इनने इसकी दावत कर दी, क्या आ गया आई ओटा की पावर जीरो की वैल्यू कितना आ गई भाई, अच्छा हो सका था कि ईमानदार थी ईमानदार कर सकते, हो नहीं सका था बस थोड़ा जिल्लू थी, था रास्ते तो वही था ना मार्केट का, इस तरह नहीं करा था आपने भी, लंबा छोटा कर दिया, आ तो गया आंसर भाई, हमें तो आम खाने से मतलब है, कहीं खिलोई खिला दो हमें ला के, नहीं आ गए समझ में आ जाएगा, नहीं तो यूँ तो देखो कि मेरी समझ में आ गया टाइम, तो जब आप देखो क्या होता है, सुनो भाई जब आप बाइक चलाते हैं तो पहले दिन ही 90 की स्पीड से भागे, कब कब आती है वो 90 की स्पीड, जितना चलाएगा उतनी आएगी यूँ कहो, जितना चलाएगा अगर एक एक घंटे एक महीने तक के बाइक पे उतरे ना तो एक महीने में सीख जाएगा वो इस साल का, वो चिला चिला कर क्या करती साल भाई, टाइम वैल्यू नहीं करती उसमें, क्या करती है तुम मैंशन क्या करती है, प्रैक्टिस चलाने के टाइम, तो जब आपने पहले दिन ये सीख गए लंबे रास्ते छोटा रास्ते पता है दूर जाके कितनी घंटे आप, दिक्कत तो नहीं आगे आप ये देखो समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे भाई से ताड़ में,
मत आया मेरे को थोड़ा सा सीखा कुछ थोड़ा बहुत एक आधा रूप आगे बैठे उतारो आराम से उतारो फिर बैठेंगे कोई दिक्कत जितने मेरे पीड़े हैं एक पीड़ फालतू बढ़ा दूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है देखकर तुम चाहोगे ना जितने मेरे पीड़े हैं ना कि कंप्लेंट नंबर एक बार वो और फालतू हो जाएगा मैं अपनी तरफ से बढ़ा दूँ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है भाई अगर तुम चाहोगे तो एक ही होने का समझ में नहीं आ रहा मैंने कहा चल यार टाइम पूरा कर आगे से अकल थोड़ी सी है थोड़ी थोड़ी अकल लगनी है दिमाग की है ऐसी कंपटीशन में ये तो सवाल है मैं हल्की हल्की अकल थी दूँ थोड़ी थोड़ी से जब आप खोलोगे जी के भी बता रहा मैं ट्वेल्थ छूट रहा जी तक भाग जा रहा मैं दरी दरी करवा रहा ये ऐसी सवाल है मैं लेकिन ये तुम्हें लगने का अकल हो ही ना कि भाई जब तुम अपनी टेंथ ट्वेल्थ की किताब खोलेंगे यार आई पाओगे सारे देख कर दूँगी मैं करके देखने लगे ठीक है बिल्कुल यही सवाल है देखो जी सर एक और सवाल करते हैं भैया वन प्लस आई स्क्वायर आई ओ टन पावर फोर आई ओ टन पावर सिक्स आई ओ टन पावर एट अप टू आई ओ टन की पावर टू एन इसकी वैल्यू निकाल ली हो यार आई टू एन है ना बिल्कुल है नहीं कुछ अकल का फिर थोड़ी सी हल्की थी अकल हाँ जी वनी है सर ये बिल्कुल सही कहा आपने भाई अगर किसी को पानी वानी पिलाओ पानी पीने जा सकता है ये तो देखो थैंक यू साफ करेंगे तैयारी मैं भी ऐसा घर से आपके लिए बोतल का ऐसा बताऊँ मतलब है ना कि अगर किसी कोई ज़रूरत है तो जा सकते हैं ठीक नहीं मतलब अंदर से नहीं है जाना ज़रूरत सही है ठीक नहीं है यूँ नहीं है कि बाहर से हवा की जरूरत बहुत गर्मी हो रही है तो गर्मी चलो ये जो है ना पढ़ेंगे जो हम फ्रेंडली पढ़ेंगे जितने दिन पढ़ेंगे इकट्ठे हो क्या क्या पढ़ेंगे बिल्कुल भाई फ्रेंडली होगी कोई दिक्कत नहीं लेकिन बिना किसी टेंशन के जैसे घर में पढ़ते हैं मैं ना आ गया कुछ तो आया है ना ना उन्हें तो बेहतर है बड़ी अच्छी बात आप ही नहीं आया भाई यार कुछ आया नहीं आप पे कुछ आया नहीं अरे कुछ तो आया होगा लिख के करो दबानी नहीं है भाई जो दबानी की तो यूँ हो जाए दबानी थोड़ी कौन चले है नहीं कुछ तो लिख के करो तुम देख लेने वाले बता दिया आंसर तुमने ना पहले लिखा ना मारे वन वन में कर दी थोड़े काम से सिर्फ इन्होंने कुछ करा दिया बड़ी अच्छी बात है देखो जब पेन चले कुछ ना हुआ तो जितने तुमने भी तरह सवाल करे हैं अगर हटके कर लो नहीं मान दे कर लोगे नहीं 100% सर थोड़ी तो गलती है ना देखो वहाँ तक पहुँच गया इस तरह आप पहुँच गए फिनिशिंग तक के लिए ठीक है ये लगभग तो तुमने प्लस नहीं लिखे भाई प्लस तो आप लिख सको अब तो मैं बता दूँगा देखो भाई देखो देखो भाई देखो भाई फिर कोशिश करते हैं देखो ये हाँ इनको यू भी नहीं लिखा वन के बाद प्लस भी लिखा ये तो लिखना था ये आई आई टू एफ की वैल्यू कितनी होती है भाई तो यहाँ माइनस में लिखना था प्लस वन में लिख रखा ये तो कह रहा है इतना तो लिख ही सको थे अलिया भाई ये कह रहे हैं ये लिख रखा तो हाँ भी इतना तो लिख सको थे भाई आई टू एफ क्या फोर की वैल्यू कितनी आती है भाई क्या आती है
हाँ माइनस में अगर यूँ कुछ भी नहीं पता जो मैं जो लिख दूँ वही सही है नहीं अभी मैंने पहले लिख दिया सही भाई हमने जो लिख दिया वही सही है। ये तो ऐसी बोली जो सत्संग होती है, रात ही देखी कभी गए तुम्हें रात को कोई आओ तुम्हें देखा तो होगा तुमने सुना तो होगा ये उसमें सोता रहा ले जाके जब रुक के हूँ अब क्या होगा नहीं सोचे हैं मैं ठीक है कभी नारे लगाने लग जाओ हैं देखा ही या नहीं अरे वो भी नारे लगा रहे पता चलता है नहीं हो क्या रहा है तुमने वो भी देखा है कहाँ जो सत्संग आया बात तो भाई नारे लगा रखे हैं कुछ बोले तो भाई आई टू कैरी वैल्यू क्या आ गई भाई आई टू की पावर 4 की वैल्यू इसकी वैल्यू आई पावर 6 की वैल्यू कितनी रहेगी आई की पावर 4 प्लस 1 हाँ तो कितनी होगी बताओ 1 आएगी माइनस 1 आएगी अरे नहीं तो यार देख वही कि यार आई की पावर 6 की लेके आई की पावर 4 प्लस 2 यार देखो तो ये यार वही तुम्हें करे वही काम तो क्या है भाई यही मत कर रहेगा प्लस 1 माइनस 1 इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा ये नहीं भाई साहब पता ही है कहाँ जाएगा इस प्यार की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1 की पावर इसकी वैल्यू डिपेंड इस पे करेगी एन पे इस पे डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू एन प्लस का होगा या माइनस का होगा भाई इसकी वैल्यू माइनस की देखो 1 की पावर कुछ कर दी तो 1 ही रहेगी तो बात खत्म हो गई। अब साइन कहाँ पर चेंज होगी साइन वैल्यू कहाँ पर होगी माइनस पे। अब माइनस की पावर एन है क्या बचेगी माइनस की देखो माइनस 1 की पावर एन है अगर 1 की पावर एन हो तो क्या आएगा 1 आ गई बचा क्या खाली लड़ाई कहाँ हो रही थी रफी हो अगर माइनस की पावर एन इस पर लड़ाई हो रही बस ये। अब एन दो तरह से हो सका है एन या तो हो सकता है इवन या क्या हो सकता है दो ही तो फंक्शन में और तो होते ही नहीं अगर एन इवन होगा तो क्या होगा यहाँ और ओड होगा तो अगर मान लिया यहाँ जो ओड होगा क्या हो गया तो माइनस आएगा अब प्लस ये जोड़े थे प्लस माइनस कट जाएगा फिर माइनस वन माइनस टू हो जाएगा यहाँ कट जाएगा ना है? तो इसकी डिपेंड क्या पर करेगी इट डिपेंड ओनली अपॉन द वैल्यू ऑफ एन इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर डिपेंड कर रही एन पर डिपेंड कर रही इसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते हम जब तो निकली नहीं तुम्हारे से समझ गए कि डिपेंड कर रही समझ नहीं आया देखो यहाँ इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा इससे कट गया इससे कट यहीं तो कटता जा रहा है एक सीरीज बन जाएगी अब इससे जो कट जाएगी कट ही सके नहीं भी कट सकता यो या तो यहाँ माइनस का मन आएगा यहाँ क्या आएगा प्लस का मन एक सीरीज तो कटेगा सबसे कट जाएगा तो डिपेंड कहाँ पर करी इसकी वैल्यू यूँ कर रही है तो एन की दो वैल्यू दो फंक्शन आएंगे यहाँ क्या आएगी एक एन की वैल्यू या तो माइनस वन आएगी या क्या आएगी और सबकी एक कगाई इसकी दो मिले तो माइनस वन आएगी या तो यानी कि इस पर डिपेंड कहाँ पर करेगी वैल्यू आई नहीं समझ क्यों करी डिपेंड पेन क्योंकि एन जो पावर है वो तो या तो इवन होगी या क्या होगी ओड होगी अगर इवन होगी तो क्या आ जाएगा फंक्शन इसका प्लस का आ जाएगा ये बताया माइनस बताया था अभी मैंने शुरू में अगर ओड होगी क्या होगी तो ये कहेंगे द फंक्शन वैल्यू विल बी डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन अगर इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड अनलेस एन इज नोन इसकी वैल्यू मैं जब तक के नहीं निकाल सकता जब तक के मुझे एन की वैल्यू पता ना हो यानी कहते सीधी जबान में कहूँ कि जबान में कह रहे हैं अगर जब तक कि भाई एन की वैल्यू नहीं पता हूँ इसकी वैल्यू पता निकलनी नहीं सीधी बात ही है पहले ही होता एन की वैल्यू क्या है एन की वैल्यू 4 है 5 है 6 है 7 है उसे पता लगा ले इवन है या ओड है माइनस प्लस आ जाएगी बता भाई समझ में आएगा कि भाई हैं हाँ आसान अब तो निकाल लोगे बोलो भाई तुमने समझ नहीं है क्या ये क्या कहना चाह रहा हूँ हैं ठीक है या हटके बताऊँ भाई बोलो आ गया सर ये तो आ गया भाई यही तो है ना और क्या आया और तो बाद में करते चले आएंगे
बोलो लिखो उतार चाहो उतार से, ये कहेंगे माइनस वन की, ये कहेंगे इस उपरोक्त सवाल की उपरोक्त क्वेश्चन क्या पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन, डिपेंड ऑन द वैल्यू एन विदाउट द नोइंग, विदाउट नोन द वैल्यू एन, लिखो विदाउट, विदाउट नोइंग, विदाउट लिखेंगे विदाउट, विदाउट नोइंग, विदाउट नोइंग वैल्यू ऑफ एन, विदाउट नोइंग वैल्यू ऑफ एन वी कैन नॉट डिटरमाइंड, वी कैन नॉट डिटरमाइंड दिस क्वेश्चन, ये अबव क्वेश्चन यानी जब तक के भाई मुझे मुझे हिंदी में मोटी मोटी बात है, जब तक कि इनको एन की वैल्यू नहीं पता इस सवाल की वैल्यू नहीं निकल सकती, एन की वैल्यू पहले ही पता ई बढ़े या ओडी ना तो बता ही देगा, नहीं बताता ना तो आप नहीं आगे बढ़ेंगे आगे बढ़े। अच्छा मतलब आप कुछ करते थोड़े से चढ़ते जा रहे हैं, पेड़ तो हैं मान देखो थोड़े से हैं शुरू से एकदम है, ऐसा ही दूंगा एक और क्वेश्चन आयोटा को तो आगे बढ़ो लास्ट, चल भाई लास्ट मैंने नहीं मान ली भाई ये थोड़ा सा फिर अकल लगा दूँ या ऐसी दूँ अकल लगेगी, देखो भाई मैं बगैर अकल के सवाल नहीं देता भाई है क्यों, अकल का ही सवाल है भाई, देखो दो दूनी चार तो सबके पास आ गया है लेकिन इम्तहान में जो अकल में लगा लेगी दो दूनी चार कहाँ से किस तरह होगा, ये तो नंबर है बस सबके पास ही आ रहे किताब से भी यही पढ़ गए, थोड़ी अकल लगाने की कोशिश करते हैं कम से कम एन आई टी कुछ तो अच्छी ठीक ठाक थी कुलियाँ प्लेसमेंट हो ही जा मानो फिर तो कल हो जाएगी, और नंबर लाने के बाद भाई तेल की तरफ पड़ गया नंबर तो जैसे कैसे आ ही जाएगा उससे ज़्यादा, क्योंकि फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर पढ़नी पड़ती है जॉब, फिर करनी पड़ती है क्या पड़ती है जॉब, जॉब में जब आप इंटरव्यू होता है उसमें करने के बाद भी दिक्कत तो जो प्राइवेट जॉब वाला होता है उसको भाई बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, करोड़ों रुपये बैग बड़ा इंडस्ट्री होती है, बड़ी फैक्ट्री होती है भाई, जिस फैक्ट्री बोलते हैं बड़ी इंडस्ट्री होती है तो उसका सवाल होता है भाई साहब, सबसे पहले एक ही सवाल करता है सब बच्चों से, अगर माँ आपको क्यों दोनों के लिए भाई मेरी तो फैक्ट्री ठीक चल रही या निरमा या निरम है पेप्सी है हम सब ये तो लेके जाना है, तो इनमें सुना जो इसमें इतने का पैकेज मिल गया इतने वहाँ पर काम है जियो में है और भाई उसमें फैक्ट्री ठीक चल रही, तुम्हें देगा भाई लोगों के लिए वो आपको क्यों दूँ मैं नौकरी इसे इन्हें क्यों ना दूँ, वो सवाल ही पूछते आप भी कुछ बैठ सको जिंदगी जी, मैं भी कितना टैलेंट है मेरे को कैपेबल है इस काम करने के लिए, कर सकता हूँ मैं अच्छी तरह, मेरा इंटरेस्ट है इस काम में, मैं आपकी कंपनी को फ़ायदा पहुँचाऊँगा भाई किसको फ़ायदा पहुँचाएगा बता दूँगा, तो वहाँ और सवाल देने पड़ते हैं इस तरह मतलब अकल हर जगह की जरूरत है, वहाँ और अकल की जरूरत है कि वहाँ भी नौकरी पानी पैसे कमाना, अब तो पढ़ना ही पढ़ना ये सवाल अच्छा तो सोल्व करी होगी तुमने करी नहीं, बहुत करी बुढ़े हो गए करते करते हैं, ये तो ख्वाब में जब भी खड़े हो जाओ आदमी करता करता ख्वाब में कर लिया तो कर नहीं लेता, कोई बात नहीं पहला दिन आज मेरे जब मैं पहले दिन पढ़ा कर रहे थे हमें तो पता नहीं था आयोटा कह रहे क्या ये कम से कम तो सुनाई तो दे रहा आयोटा है यो yes, हमें तो पता नहीं था आयोटा होती क्या चीज़ है, तुम तो सुनते रहे समझ भी रहे, बहुत अच्छी प्रोग्राम है तुम्हारी पहले दिन ही बहुत ज़बरदस्त अच्छी प्रोग्राम है भाई, जब हम पहले दिन हमारे बने हुए थे सवाल ये इस तरह के
कर लिया आज भी है सवाल को ठीक है देखो भाई सवाल में कोई गलती नहीं आई ओट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू वन अच्छा अगर ये होता ना एकदम एकदम कर लेते तुम इसे सवाल को तो इसे करने लेते कहाँ पढ़ाई में कम ज्यादा नहीं होता नहीं पैन चल पैन तो चल रहा ना ये देखो कि गाड़ी रुक नहीं चाहिए बस हैं बाइक बाइक जब चलाते हैं कार यूँ रुकी नहीं चाहिए चलती रहनी चाहिए बस चलाते रहो पैन गलत ही तो होगा फिक्र ना करो बता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें ये अच्छी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं ही पढ़ाऊंगा हैं रूट ये कहेंगे यार मेरा देखा भी सवाल है बाइस बना करते हैं इनका देख लिया है पानी बोतल घटते जा करो भाई अपनी ठीक है गर्मी ज़्यादा हो रही है ना तब अपनी बोतल पानी लिया करो घर से गर्मी ज़्यादा किस टाइम आ जाते हैं तो एक घंटा थर्मस में जाओ थर्मस वाली बोतल है कहाँ लगा द्रचारी निकाल लगा द्रचारी की निकाल दिया लगा द्रचारी निकलना ही निकलना नहीं हो देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ये तो होती है इस फॉर्म में दिख रही है तो क्लियर चमक रही थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जो आज हमने पढ़ा वही फिर मदरक कार्य कर रहे जो आज हमने पढ़ा वही फिर मदरक कार्य है ठीक नहीं है अगर नहीं होता तो काम चल जाता है अगर ये अगर मैं आई से हटा दूँ दोनों सब कर लेंगे तो इसे आई जो है इस पर गुस्सा रहा इसे काट काट में इसे डिवाइड कर दो इसे आई से क्या कर दो सारे को ले हटाओ चला ही ना तो आई से डिवाइड करके क्या आ जाएगा ये चाहे आई से मल्टीप्लाई कर दो एक ही बात है यार क्या समझ आ गया दोनों तरीके तुम और आई से मल्टीप्लाई कर दो यार देखो क्या जाएगा भाई आयोटा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आयोटा एक्स माइनस टू आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई आयोटा देखो भाई अगर इक्वेशन होती है कोई उसमें जितने लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करता है उतने राइट से कट करना पड़ता है क्योंकि घर के आ रहे हैं दो बच्चे अगर एक बच्चे को 10 रुपये दिए दूसरे को भी 10 रुपये देने पड़ेंगे अगर 10 रुपये नहीं दिए तो क्या हो जाएगा घर में क्या हो जाएगी
महाभारत हो जाएगी लड़ाई, क्या हो महाभारत, बच्चा उठा के देख रहा सारे बर्तन नहीं, कहीं बच्चे सिद्धे आज करके है नहीं, वो तो तुम सिद्धे थे, कहीं बच्चे इतने सिद्धे तुम्हारे, जितने तुम सिद्धे होंगे इतने बच्चे हैं सिद्धे, बच्चा तुम क्या चीज़ ला के दो अभी रात के 12 बजे दुकान खुल गया पापा, अब तो बुलाते नहीं भाई, अभी यार मेरा वो बच्चा दिख रहा दुकान खोल रहे हैं, आज तुम्हें तो नहीं कहा दुकान बंद हो गई, अच्छा पापा सुनो दिलवा दियो, ऐसे ऐसे टाइम पर ले तुमने ही, अब बच्चा क्या गया अगर रात की दुकान खुलो कहता नहीं है, हाँ ये पापा जाए भाई आप बोलने वाले हो भाई तेरा आके बारे ही घूमने भाई, वो है वो कोल्ड ड्रिंक भी बहुत कर लेते, मेरा बच्चा बहुत कर रहा है होता नहीं आता, अब तो बच्चे बड़े हाई भाई हैं, एक हमारी मैडम का बच्चा भाई बता दूँ तो 12th में बच्चा पढ़ता है, उसे रेंजर दिलवा दी 12,000 रुपये वाली साइकिल, ट्यूशन चला जा रहा भाई एक जगह दूसरी जगह पढ़ने के लिए, जैसे आज लाई ना उसकी मम्मी स्कूल चली गई पढ़ाने के लिए, तो जब शाम को गई बच्चे ने ऊपर छत पे चमोट है थोड़ा टायर के टुकड़े कर रखे सारे, मतलब उन्होंने पहली दिन चार बजे थे टायर के, उसने कहा किस स्कूटी से जाऊँगा मैं, मेरे दोस्तों में वैल्यू खत्म हो जाएगी साइकिल दिलवा दी मुझे, अरे भाई तुम कहते हम तो वापस कर आते थे, अब तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिया और मेरी इमेज खराब हो जाएगी, तो बच्चे बहुत देर रहे कहीं ऐसे थोड़े बच्चे रह गए कि भाई है नहीं बात, तो भाई ये जितना इधर मल्टीप्लाई करेंगे इतना इधर करेंगे, जब आई के मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी होगी इसमें भी होगी इसमें भी होगी ना भाई, ठीक है मतलब आई टू एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3 IX माइनस माइनस प्लस 2 और 0 की आई माइनस 3 आई बोलो बेटे समझ नहीं आएगा याद बात ना आएंगे बोलो आई नहीं का, अब यू माइनस भी बुरा सा लग रहा हूँ मुझे, हाँ लिखा हुआ माइनस की फिर एक बार मल्टीप्लाई कर दूँ एक बार और, तो क्या जाएगा बोलते रहो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 IX माइनस 2 = 3, अब बताते वो आदमी का पीछे हैं, अब क्योंकि ऐसे फैक्टर जिनका 3 IO होते ही नहीं आयोटा तो होते ही नहीं हो गई, अगर यहाँ आई स्क्वायर होते जब तो हो भी तो कहते, यानी ऐसे फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई तो 2 हो हर सम या प्लस करके आ जाएगा 3 आ जाएगा होते तो नहीं, लेकिन एक जितने नहीं होते हैं उसके लिए धराचार है, धराचार क्या फॉर्मूला होता है इसमें x = -b + -b² - 4ac / x = -b + -b² - 4ac / ये तो होता है फॉर्मूला b, व्हाट इज द b, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, c इज द कांस्टेंट, a इज द x² कोफिशिएंट ऑफ x², ये तो होता है भाई, अब ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूंगा क्या जाएगा बोल दो भाई, माइनस b, माइनस b की वैल्यू माइनस 3i प्लस माइनस b² 3i का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी है भाई 1, c की वैल्यू माइनस 2 अपॉन 2a, a का मतलब 1, बोल लो भाई मैं चमका थोड़ी थोड़ी बात दिक्कत तो नहीं आई, कोई नई बात तो नहीं बताई भाई मैंने, माइनस 3i प्लस माइनस 3i का स्क्वायर क्या जाएगा 9i का स्क्वायर माइनस 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 और 4 2 अभी नहीं बात बोलो भाई अभी अभी बड़े पुल रहे यार वो थोड़े अभी नहीं मिले गलत बुरा थोड़ा भी घट जा रहा है नहीं यू और यू है नहीं, इससे समझ में आ जाएगा कि मैं कुछ चिल्ला हुआ मैं, देखो भाई माइनस 3i तो जुगा दूँ भाई प्लस माइनस 9i² कितना जाएगा माइनस 9, ये इकट्ठे है भाई इकट्ठे जाएंगे, अभी दोनों भाई हैं बरात में इकट्ठे जाएंगे अलग नहीं जा सकते, फिर लड़ाई हो जाएगी फिर वही बात हो जाएगी अपॉन माइनस 3i माइनस 9 प्लस 1 माइनस आई, बोलो भाई इन्हें क्या होगा माइनस 3i प्लस माइनस i अपॉन
अब भी नहीं आई बात। इसे एक क्या आएगा माइनस थ्री आई प्लस आई अपॉन टू, एक क्या ले गए पॉजिटिव टेकिंग पॉजिटिव साइन। देखो दो साइन आ गए माइनस थ्री आई प्लस माइनस, अगर प्लस का लूंगा तो ये आ जाएगा। अब टेकिंग क्या लूंगा माइनस साइन लेके क्या आ जाएगा भाई माइनस थ्री आई माइनस आई अपॉन टू। ये कौन सा कौन सा साइन लिया मैंने टेकिंग माइनस साइन, ठीक है भाई। तो माइनस थ्री आई प्लस आई कितना आ जाएगा ये माइनस टू आई भाई। हाँ माइनस थ्री आई प्लस आई कितना आ जाएगा माइनस के टू आयोटा अपॉन टू क्या आ गया माइनस के आई। भाई आयोटा भी कह दिया करो भाई, वही पूछा कि भाई आया कि नहीं बताया आयोटा है ही, कभी कभी है कभी कभी आयोटा भी कह दिया करो माइनस के आई आयोटा है। इस तरह क्या आ जाएगा भाई माइनस के फोर आयोटा अपॉन टू या माइनस के टू। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दो आ गई माइनस टू आयोटा और माइनस के टू आयोटा। बताओ भाई दिक्कत थी कुछ वो से कहता मुश्किल था नहीं क्या थी थोड़ी सी बस ऐसे ही सवाल आने बस ये है नहीं मुश्किल तो नहीं है अब तो कर लोगे। कौन भी डांस बढ़ा दो थोड़ा सा आज करो तारो फिर से कौन भी डांस बढ़ा दो तारो भाई से तो स्टैंडर्ड के सवालों तक आ गए मैं। ये आपके जो जो भी बुक होगी आप पहले से पढ़ो आर डी शर्मा एन सी आर टी बोर्ड की पहले से करिए क्योंकि पैसे ख़राब करते हैं भाई ये, ठीक है बेटे क्योंकि पहले फंडामेंटल की जगह मैं आपको पुलिस का कोई बुक कर दूँ तो आपके बिना बात ही पैसे खर्च जाएंगे अभी हैं। आप पहले उसे कर लूँगा फिर आगे बुक बता दी जाएगी आपको, ठीक है सर। ठीक है देखो घर रख के कोई बुक के कोई फ़ायदा नहीं है, जैसी किताबें वहाँ रखी है अगर नहीं पढ़ रहे हैं जैसी किताब बुक सेलर के रखी है ऐसी आप घर रखी वो फ़ायदा है। लो तो उसे खर्च करो माँ बाप का पैसा उसके क्या करो उसका यूज़ भी करो क्योंकि माँ बाप को पहले बड़ी मेहनत से आता है तुम्हें मम्मी बाप बहुत मेहनत करते हैं करते नहीं तुम्हें अभी धीरे नहीं पैदा आता हम तो पंखे में बैठे तुम यहाँ वो बेचारे धूमा कर रहे होंगे कहीं काम तुम्हारे लिए क्यों भाई ठीक है बात गलत है। जो भी किताब हो पहले से ही पढ़ लो आप हैं। किताबें तो एक थी है सब में लगभग हुई है लेकिन पहले पढ़ने होना चाहिए। तीनिया के बाद के लास्ट आपको खत्म है लास्ट है ज़्यादा हो जाएगा जब भी बताना कम हो जाएगा दोनों बताने हैं। जब मैंने कह दिया कि फ्रेंडली बढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं बिना ग्रुप को। अच्छा भाई काट भाई आप सर यहाँ लिखेंगे ये है टेकिंग पॉजिटिव साइन ये है टेकिंग यानी प्लस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर हिंदी में कहते हैं।
भाव तो भाई सच होता है ईमानदारी से कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा फिर बोर तो लगा कि यार जैसे वो लगा जैसे किलास में यार सिर्फ पढ़ा के चलता था बोर तो हैं मज़ा आया कुछ थोड़ा सा उम्मीद है कुछ समझ जाएंगे ब्लैक नंबर में उम्मीद है कुछ अब कुछ समझ आ गया बोर हो गया अटके बढ़िया इससे अच्छा हुआ या अटके कम हुआ देखो अब इसे इसे डिवाइड करके लाना बच्चे की तरह क्या कह रहे सर नहीं अब तो मज़ा आया थोड़ा सा कोई चीज़ लगी वो भी थोड़ा सा है बस वहाँ आएगी पूरा 4-1 से काम चल जाता है आगे भी बताते हैं ना तक के लिए पहुंच गया बिल्कुल है देखो भाई क्या करना है इसमें इससे इसे डिवाइड करना है इससे इसे डिवाइड किससे करोगे इससे तो होने नहीं वो इस तरह कर लेना बच्चों की तरह यू करके इसे तो इधर लिख लेना रेड क्यूब को और इसे इधर लिख लेना बस ये सीधी बात है अगर वो देनी बिल्कुल सिंपल सी बात होता है यहाँ कोई मुश्किल बताइए इसे तो कर लेंगे फिर इसके बाद एक और छोटा सा सवाल आएगा फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे इसका यूज होगा कहीं है फिर कल के उसके ऊपर एक क्वेश्चन बताऊंगा फिर कल से शुरू होगा कम्प्लेक्स नंबर आज याद आ सिर्फ इमेजिनरी नंबर बार मारी ये बताऊँगी कोई प्रॉब्लम पूछनी हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ गया आज के लिए इतना ही द बेस्ट ऑफ लक ठीक है ठीक